क्या आप इंस्टाग्राम की वीडियो फोटो रील को आप फेसबुक पर शेयर करते हो, मतलब फेसबुक पर भी पोस्ट करते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है एक ही जगह डालोगे तो दोनों जगह वही वीडियो वही रील वही फोटो शेयर होगा, या फिर ये चीजों से आप परेशान हो, आपको पता नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पर डाल रहे हो वो फेसबुक पर भी जा रहे हैं लेकिन आपको फेसबुक पर नहीं डालना है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर डालना चाहते हो साथ साथ में फेसबुक पर भी जाए। ये अपडेट बहुत पहले से आ चुका है। अगर आप फेसबुक पर काम करते हो तो फेसबुक से आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम से फेसबुक पर कर सकते हो, ये दोनों चीजें आप कर सकते हो, आपको जो भी बेस्ट लगे वो चीज कर सकते हो। अगर आप फेसबुक पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, मतलब फेसबुक पर डालोगे तो इंस्टाग्राम पर शेयर होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो इंस्टाग्राम पर डालोगे फेसबुक पर शेयर होगा, ये दोनों चीजें आप कर सकते हो। अगर आप फेसबुक पर काम करते हो और आपको इंस्टाग्राम पे नहीं भेजना है उसको हटाना है वो भी मैं बताऊंगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे करते हो और उसको आप फेसबुक पर नहीं भेजना है वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे हटाना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं अपन मोबाइल की स्क्रीन पर, वहां मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, क्या ट्रिक करना है, कैसे कहां से सेटिंग करना है। अब मैं आपको बताता हूं सीधा कि आप कैसे एक रील को दोनों जगह पर एक क्लिक पर पोस्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम से मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे एक रील को दोनों जगह पर पोस्ट कर पाओगे। तो आपको नीचे दिख रहा होगा राइट साइड पर प्रोफाइल, प्रोफाइल पर क्लिक करो। ऊपर आपको दिख रहा होगा थ्री लाइन, राइट साइड पर थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपको ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है अकाउंट सेंटर, वहाँ पर क्लिक करते हैं। अब जैसा जैसा कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसा करते जाइए, आपको बराबर पता चलते जाएगा। यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा शेयरिंग क्रॉस प्रोफाइल्स, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें आपको क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरा तीन इंस्टाग्राम आईडी है और चौथा आपको दिख रहा होगा फेसबुक का आईडी है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इंस्टाग्राम से फेसबुक में शेयर करना है रील हो पोस्ट हो। तो सबसे पहले अपन क्लिक करते हैं अपन ये वाला थर्ड नंबर पर आपको जो दिख रहा है, जो मैं मेन यूज करता हूँ, जो मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसमें आपको मैं बता दूं, ऊपर आपको दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी सुमित बाबू, इस आईडी पर मैं जो भी रील पोस्ट करूँ वो मेरे फेसबुक पर चले जाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला सुमित सेठिया दिख रहा है इस पर क्लिक है। अगर मैं नीचे वाला पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पेज है, सुमित बाबू वाला पेज है, ये मेरा फेसबुक का पेज है। ऊपर वाला मेरा प्रोफाइल है सुमित सेठिया, तो मैं प्रोफाइल पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा योर इंस्टाग्राम स्टोरी। अगर मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालूंगा तो फेसबुक में भी शेयर होगा, पोस्ट डालूंगा वो भी फेसबुक में चले जाएगा, रील डालूंगा वो भी मेरा फेसबुक पर चले जाएगा। यहाँ से मैं क्रॉस कर दिया हूँ, ये यहाँ से शेयर होगा डायरेक्ट। अगर मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगा तो डायरेक्ट फेसबुक के इस प्रोफाइल पर चले जाएगा, इस आईडी पर। अगर मैं नीचे वाला पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर सुमित बाबू पर, तो यहाँ पे चले जाएगा, तो मुझे वहां पर भेजना है प्रोफाइल पर, तो पूरा रील पोस्ट वहां पर चले जाएगा। और सेकंड मेरा यहाँ पर सेकंड आईडी आपको दिख रहा होगा ये वाला जो सुमित बाबू करके, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें मैं अलग किया हूँ। इसमें क्या है, इसमें मेरा पेज पर है, समझ रहे हो, ये सेकंड आईडी है मेरा। सेकंड आईडी में अगर कुछ भी पोस्ट करता हूँ तो मेरा पेज पर जाता है, ये पेज, पेज पर क्या क्या जाता है, स्टोरी और रील्स, पोस्ट तो करता नहीं सेकंड आईडी पर, तो वो डायरेक्ट चले जाता है। फर्स्ट आईडी पर क्या है, ये अपना प्रोफाइल पर चले जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोफाइल पर। आपको जो करना है आप कर लो, आप अक्सर यही प्रोफाइल चला रहे होंगे फेसबुक का, तो आप यहाँ डालोगे तो आपका प्रोफाइल पर चले जाएगा, सबको ऑन कर लो। ये हो गया इंस्टाग्राम से। अब मैं आपको फेसबुक से बताता हूँ, अगर आप फेसबुक में ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं, फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं, आप रील फेसबुक पर डालते हो लेकिन आप भेजना चाहते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक से इंस्टाग्राम पर उल्टा, मतलब लोग इंस्टाग्राम से फेसबुक पर भेजते हैं क्योंकि ज्यादातर इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आपको फेसबुक से इंस्टाग्राम पर भेजना है, तो अपन चलते हैं फेसबुक पर। फेसबुक पर क्लिक कर लिए, फेसबुक पर क्लिक करने के बाद ऊपर राइट साइड पर आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल, वहां पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऊपर स्वाइप करना और यहाँ आपको दिख रहा होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक किए, ऊपर आपको दिखा सेटिंग, सेटिंग पर क्लिक करते हैं। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अकाउंट सेंटर, प्रोफाइल डिटेल्स, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, इस पे आपको वही सेम चीज करना है। आपको क्या करना है, आपको ऊपर दिख रहा होगा शेयरिंग क्रॉस प्रोफाइल्स, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्या क्लिक करना है, यहाँ पर देखो मेरा नीचे है थर्ड नंबर पर मेरा आईडी, मेन आईडी इंस्टाग्राम का, ये देख रहे हो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, फेसबुक पर आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको जो करना है वो बता रहा हूँ, नीचे आपको फेसबुक दिख रहा होगा, फेसबुक पर क्लिक करते हैं। फेसबुक पर क्लिक कर, अगर मैं फेसबुक में कुछ भी ऐसा डालता हूँ जो मेरा इंस्टाग्राम पर चले जाए, तो आप देख सकते हो इंस्टाग्राम का ये वाला आईडी, ये मेरा फेसबुक मेन आईडी फेसबुक, अगर इसमें मैं कुछ डालूंगा तो मेरा ये वाला आईडी में जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर। और जो जो भी भेजना है उसको आप राइट कर सकते हो, जैसे फेसबुक स्टोरी इसको ऑफ कर दिया, मैं इसको राइट कर दो, जैसे ये पोस्ट हो गया पोस्ट को ऑन कर दो,
ये रील रील को मैं सेटअप किया ही नहीं हूँ। अगर आप ये सब को ऑन कर दोगे तो आप फेसबुक में डालोगे और इंस्टाग्राम पर ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। जो भी आप डालोगे, जैसा टाइटल डालोगे, जो भी डालोगे, पूरा सेम टू सेम पोस्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार एक क्लिक पर दो जगह पर आप पोस्ट कर सकते हो। एक बार डाटा खत्म होगा लेकिन दो जगह वही पोस्ट हो जाएगा, रील हो चाहे पोस्ट हो, एक क्लिक पर। इस प्रकार की सेटिंग के साथ आप अपने एक वीडियो को एक क्लिक में दोनों जगह शेयर कर पाओगे। मतलब आप एक वीडियो डालोगे और दोनों जगह शेयर होगा, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या फिर आप फेसबुक पर डालोगे और इंस्टाग्राम पर आएगा, दोनों चीजें होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डाटा खर्च नहीं करना है, एक जगह डाटा खर्च करना है, दोनों जगह हो जाएगा। वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक मिले।